आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में वोडाफोन आइडिया को एक नई लाइफलाइन मिली है। हम इस चैनल पर शुरू से रिकमेंड कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया बंद नहीं हो सकता है, ये बहुत ऊंचा जाएगा। ₹50 का टारगेट बताया था अपने चैनल पर और बोल रहे हैं ये ₹50 तीन साल तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। मॉरेटोरियम को माफ कर दिया है, आने वाले 4 सालों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा और सारे लोन को मॉरेटोरियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग फीस एंड पेनल्टी। तो बहुत अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए, सरकार ने दिया नया जीवन वोडाफोन आइडिया को। आइए चलकर देखते हैं ये 25,000 करोड़ रुपए का जो इनको नेट कैश एक्वायर होगा इस पूरी एनालिसिस के माध्यम से, ये एनालिस्ट क्या बता रहे हैं इसके बारे में, 25,000 करोड़ कैसे है और साथ ही साथ में क्या होगा आगे का हाल इस स्टॉक में। तीन महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं किसी एक स्टॉक में हैवी निवेश मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 20% से ज्यादा कैपिटल मत लगाइए ट्रेडिंग में, और स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाइए जो आपको आने वाले 3 सालों तक जरूरत ना हो। देखिए, सुबह शुरू होते के साथ ही वोडाफोन आइडिया का अपर सर्किट लग चुका है और ये सर्किट खुलेगा अब और फिर से दूसरा नया अपर सर्किट लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खबर बनाई है जो इस स्टॉक को, ना ही इसको बल्कि वोडाफोन आइडिया और रिलायंस को भी ऊपर लेके जाएगी। यहां पर मोरेटोरियम का जो डिक्लेरेशन किया है वोडाफोन आइडिया के स्पेसिफिकली, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ओवरऑल खबर में सबसे ज्यादा फायदा मोरेटोरियम के रेफरेंस में वोडाफोन को है। 4 साल का मोरेटोरियम दिया है, अक्टूबर 1 से शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 दिनों के बाद इनको कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जिसके चलते हुए ये पूरा का पूरा विश्लेषण किया है हमारी टीम ने और आप तक ये खबर लेके आए हैं एक्सक्लूसिव मॉर्निंग शुरू होते के साथ ही। देखिए, टोटल अगर डेप्ट की बात की जाए 1.8 लाख करोड़ का डेप्ट है, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ इनके गवर्नमेंट के पास है, जिसमें से 96 स्पेक्ट्रम फीस और AGR ड्यूज 58,000 करोड़ के आसपास है। जो बाकी जो मेन लोन है वो है बैंकर्स के पास से, जो कि 23,000 करोड़ का है। तो ये एक मेन है जिसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बाकी सारा का सारा जो अमाउंट है ये आप इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आने वाले 4 सालों के लिए। तो इससे कैश फ्लो जनरेट होगा मार्केट में, ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है इनको जो ये मोरेटोरियम डिक्लेयर हुआ है और साथ ही साथ में स्पेक्ट्रम फी को AGR को कैसे डिफाइन किया है, स्पेक्ट्रम फी कम कर दी गई है मोरेटोरियम के चलते हुए। टोटल इन सब का कंबाइंड बेनिफिट जो है, पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था 10,000 से 15,000 करोड़ मिलेगा, बट ये अब पैकेज आने के बाद में 25,000 करोड़ के आसपास है और यही रीजन है जिसकी वजह से ये मार्केट को बहुत पॉजिटिव न्यूज लग रही है और स्टॉक काफी ऊपर जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट को यहां पर 4G का इंक्रीमेंट कराना है, वोडाफोन आइडिया के पास सबसे ज्यादा 3G एंड 4G कस्टमर है, तो इसलिए आगे गवर्नमेंट को 5G ऑक्शन भी कराना है। तो ये जो 25,000 करोड़ रुपया सेविंग हो रही है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की, ये ऑपरेशन एक्सपेंसेस के लिए 4G को वाइडन करने के काम आएगी और साथ ही साथ में 5G की बिडिंग के लिए भी काम आएगी। तो ये हमारे हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर और जो भारत के डिपार्टमेंट टेलीकॉम ने मिलकर जो ये एक अच्छी बात बताई है वोडाफोन आइडिया के लिए, बहुत अच्छी है, ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है हमारे हिसाब से, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू इनिंग फॉर वोडाफोन आइडिया। आपको बाय करने की सलाह दी थी, होल्ड करने की सलाह थी, हमने खुद भी खरीदा था, आपको बताए थे हर बार जब ये गिर रहा था तब हम दिन वीडियो बना रहे थे, ₹4.60 में भी खरीदा है। आज की तारीख में 43% का प्रॉफिट है, आज का इंक्लूड नहीं किया है, जो आज का बढ़ेगा तो वो बताएंगे कल शाम को जब वीडियो बनेगा, प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। और अगर यहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की बात की जाए, मुकेश अंबानी जी ने कह रहा है कि ये अचीवमेंट डिजिटल इंडिया को अचीव करने के काम आएगा, कुमार मंगलम जी ने कहा है कि इट विल गो लॉन्ग वे फॉर अनशेकिंग द टेलीकॉम सेक्टर, और एयरटेल के चीफ सुनील भारती मित्तल जी ने कहा है कि सपोर्ट इंडिया डिजिटल एम्बिशन, जो बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से। देखिए, रीजन तीन मुख्य रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा जरा, तीन मुख्य रीजन है जो आपको बाय करने के लिए बोला था। नए इन्वेस्टर यहां पर अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, क्योंकि उनको दिख रहा है क्लियरली जो लोन का डेप्ट स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब यहां पर सिर्फ 23,000 करोड़ बचेगा। कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो नियर टर्म में आने वाले 4 सालों में बहुत पॉजिटिव कैश फ्लो होगा और हमारे हिसाब से अगले 2 क्वार्टर में ही ये पॉजिटिव कैश फ्लो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वहां पर खत्म हो जाना चाहिए। टैरिफ हाइक एक मेन चीज थी, फ्लोर प्राइस सेट नहीं है अभी तक, तो ये पर इन्होंने ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया, जैसे हमने आपको बताया था 249 का पैकेज अब 300 के आसपास मिल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट यहां पर उन्होंने 20% का राइज अपने आप कर दिया। तो टैरिफ हाइक यहां पर क्लियर है और जैसे जैसे कस्टमर 2G से 3G से 5G और 4G में मर्ज करेंगे तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वी हैव इन्वेस्टेड इन ट्रायंगल पैटर्न, अब जरा चलकर आज का अगर भाव देखें तो देखिए, मॉर्निंग खुलते के साथ ही 9 रुपए 80 पैसे का भाव बन चुका है यहां पर और कोई भी बेचवाल नहीं है,
करीब करीब 1 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं और यहां पर अभी भी बाइंग ऑफर है। अपर सर्किट लग चुका है और अपर सर्किट खुलते ही ये स्टॉक फिर से अगले अपर सर्किट के लिए तैयार होगा। हमारे हिसाब से 9.80 पैसे का अभी प्री ट्रेडिंग मार्केट में अपर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में। पिछले दिनों से जब से ये 4.80-4.60 पैसे का आया है, हमारा एवरेज 6.17 रुपए के आसपास है और देखिए कंटिन्यूअसली ये ऊपर जा रहा है। आपको अपने एनालिस्ट पर बिलीव होना चाहिए, आपको राइट चैनल के साथ जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ में राइट स्टॉक में निवेश करके उसको होल्ड टाइप कीजिए। व्हाट टू डू नाउ, सिंपल, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो प्लीज ट्राई कीजिए इसको खरीदने के लिए। हम लोअर लेवल से इसको खरीदवा रहे हैं अपने सब पेड मेंबर्स को और साथ ही साथ में अपने चैनल पर फ्री वीडियो के थ्रू सब दोस्तों को खरीदवाने की कोशिश करा रहे हैं। चैनल का फेवरेट रूल हमेशा ध्यान रखना, आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल लर्निंग करना चाहते हैं, फंडामेंटल व्यू देखना चाहते हैं, साथ ही साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू रेगुलर अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू भी मिलेगा। इसके लिए आप हमें मेल ड्रॉप कीजिए, आपको 2 हफ्ते के अपने साथ ट्रेडिंग भी कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।